Today, I am going to tell you why, why questions regarding X ray film. The examiner will ask you by showing the X ray chest, what is this? This is X ray chest PA view. Now, they will ask what is this black and white shadow? This black and this white and the gray shadow. So, black is air. White is bone and grey is fat and soft tissue. The how many views are there in chest X-ray? Your answers would be there are three view: PA view, AP view, and the lateral view. PA view for knowing the lung pathology, AP view for the vertebral column pathology, and lateral for knowing the exact location. What will you see in chest X-ray? so you have to tell we have to look for a b c d e f g a for assessment and airways b for bone c for cardiac silhouette and size silhouette means outline so cardiac silhouette and size d for diaphragm e for equipment f for fluid and g for great vessels so first come to a a for assessment वट वी एसेस वी हैव टू एसेस डिस्प्रे वी आर लुकिंग जस्ट दिस डिस्प्रिन टैबलेट जस्ट अ नेमोनिक डी फॉर डेट रिटर्न ऑन द फिल्म जो डेट उसमें लिखा हुआ है एक्स रे फिल्म में वो मैच करना चाहिए उस प्रजेंट डेट से ऐसा नहीं हो कि एक महीना पहले का लेके आई हो एक्स रे फिल्म आई फॉर आइडेंटिटी नेम एज एड्रेस ऑफ द पेसेंट जिसका जिस, जिस पेशेंट का हम लोग देख रहे हैं वही उस नाम पूछ लेंगे नाम ए से मैच करना चाहिए एस फॉर साइड द लेफ्ट साइड ऑफ द फिल्म कॉस्पॉन्ड टू योर राइट हैंड साइड एंड द राइट साइड ऑफ द फिल्म कॉस्पॉन्ड टू योर लेफ्ट हैंड साइड दिस पी पी फॉर पी ए और ए पी व्यू विस्डाश कि ये पी ए व्यू है कि ए पी व्यू है तो हम लोग किस तरह से जान सकते हैं पी ए और ए पी व्यू को दीज आर द डिफरेंसेस इन पी ए व्यू दे इज इरेक्ट पोस्टर एंड ए पी व्यू रिकम्बेंट पोस्टर में लिया जाता है एपी व्यू जो वर्टिबरल कॉलम पैथोलॉजी को जानने के लिए भी किया जाता है तो मोस्टली इल पेसेंट और रिकम्बेंट जो लेटा हुआ है उसके लिए ए पी व्यू होता है जो खड़ा है इरेक्ट पोस्टर में वो पी ए व्यू और पी ए व्यू लंग पैथोलॉजी को जानने के लिए बेस्ट होता है ये वर्टिब्रल कॉलम फिर भी एक्सरे फिल्म को देख के हम लोग कैसे पता कर सकते हैं तो सबसे डायग्नोस्टिक पॉइंट होता है पी ए व्यू में ये स्कैपोला का मीडियर बॉर्डर विजिबल नहीं होता है पूरा मैं यहाँ लंग फील्ड दिख रहा है और इस जगह पे ए पी व्यू में ये मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्केपोला है यही मेन डिफ्रेंसिएटिंग फीचर होता है चूँकि पीए व्यू में जो पेशेंट खड़ा है उसे बोला जाता है पहले कि आम को एबडक्ट कीजिए दूर कर लीजिए आम को 90 डिग्री एबडक्शन करवाते हैं फिर एक्सरे फिल्म लिया जाता है ठीक है और इसमें तो पेशेंट बीमार है लेटा हुआ है तो यहाँ पे मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला विजिबल है दिस इज द मेन डिफरेंटिंग और फिर ये सब और एक और होती कि इसमें जो ये हार्ट है ये कार्ट ये फिफ्टी परसेंट इसका जो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक साइज जो होगा वो लेस देन फिफ्टी परसेंट ऑफ द इंट्राथोरासिक डायमीटर ये जो रिप्स है उसके इनर आस्पेक्ट से ये जो डायमीटर लेंगे यहाँ से यहाँ तक का वो से लेस देन फिफ्टी परसेंट इसका डायमीटर होना चाहिए हार्ट का कार्डिक डायमीटर और ये मोर देन फिफ्टी परसेंट नॉर्मल होता है सूडो कार्डियोमेगाली इसको कहते हैं एपी व्यू तो पहले जब भी कार्डियोमेगाली का पेसेंट आए तो उसमें पहले हम लोग क्लियर कर लेंगे कि वो एपी व्यू तो नहीं है एपी व्यू है तो नॉर्मल साइज का भी हार्ट भरा दिखेगा क्यों भरा रोटेशन स्पाइन ऑफ द शुड बी इन हम लोग देख रहे हैं ये जो व का स्पाइन है ये इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए यहाँ जो ये बॉर्डर है बॉर्डर ऑफ द स्पाइन प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रा है और ये साइड ऑफ द बॉडी ऑफ वर्टिब्रा ये दोनों की इक्वी डिस्टेंस रहना चाहिए एकदम बीच बीच यहाँ पे रहना चाहिए ठीक है तो वो रोटेटेड नहीं रहना चाहिए पेसेंटिक नहीं रहना चाहिए। बीच में रहना चाहिए ठीक है आई एन डिस्प्रीन आई एनस हो गया इंटेंसिटी ऑफ एक्सपोजर ना हाइपर नॉर हाइपो एक्सपोज वैस्कुलर मार्किंग जो लंग की है वो दिखनी चाहिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हाँ वैस्कुलर मार्किंग ये सब वैस्कुलर मार्किंग जो है वो दिखाई दे रहा है तो ये नॉर्मल है और दूसरा हो गया इंस्पिरेशन फुल इंस्पिरेशन में रहना चाहिए अप टू अलेवेंथ रिप सुड बी विजिबल यहां पे हम लोग काउंट कर सकते हैं यहां पे मैन्यूब्रेस टर्नल जंक्शन है सेकेंड हो गया थर्ड फोर्थ फिफ्थ एलेवं तक दिखना चाहिए तो इसका मतलब है फुल इंस्पिरेशन में लिया गया है एक्सरे अनदर ए इज एयरवेज शुड बी इन द मिड लाइन यहां पे हम लोग देख रहे हैं दिस इज ट्रेकिया एंड दिसन नाउ एबीसीएफ जी था तो बी से हो गया बी फॉर बोन एक्सरे चेस्ट में हम लोग को क्लैविकल दिखाई दे रहा है क्लैविकल दिखाई दे रहा है स्कैपुला दिखाई दे रहा है रिप्स दिखाई दे रहा है और अपर एंड ऑफ ह्यूमरस भी दिखाई देता है यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो ये इन सबकी कंटिन्यूटी को चेक करना है कि कहीं पे कोई फ्रैक्चर तो नहीं है तो इस चीज को चेक करते हैं एसेस करते हैं ए फॉर एसेसमेंट हो गया बी फॉर बोन ये एसेस नहीं करना है इसे चेक करना है सी से हो गया कार्डियक सिलॉट एंड साइज कार्डियक आउटलाइन ये कार्डियक आउटलाइन इसका क्लियर है कि नहीं एंड साइज जो मैंने बताया कि पीए व्यू में लेस देन फिफ्टी परसेंट होना चाहिए डी फॉर डाइफ्राम ये हम हाँ लोग देख रहे हैं राइट साइड ऑफ द डोम ऑफ डाइफ्राम शुड बी एट हाईर लेवल ड्यू टू द लीवर अंडर नीथ एंड बोथ साइड सी पी एंगल इधर भी ये हो गया कॉस्ट्रोफ्रेनिक एंगल एंड दिस इज कार्डियोफ्रेनिक एंगल दोनों ही का शॉर्ट फॉर्म सी पी एंगल है ये दोनों ही क्लियर रहना चाहिए इधर राइट right साइड का लेफ्ट साइड का दोनों तरफ का क्लियर रहना चाहिए ई फॉर इक्विपमेंट कोई भी एक्सरे फिल्म लेंगे उसके बाद फिर हम लोग चेक करेंगे कि उसमें अगर इंडो ट्यूब है यहाँ पे है ना इंडो ट्यूब तो ये यहाँ पे ये यह दिखाई दे रहा है ये इंडो ट्रैकियल ट्यूब और ये ट्रैकिया का बायोफर्केशन इससे दो सेंटीमीटर ए व इंडो ट्रैकियल ट्यूब रहना चाहिए इसको अब यहाँ तक नहीं आना चाहिए दो सेंटीमीटर ऊपर तक रहना चाहिए ये चेक कर लेंगे फिर नेज़ो गैस्ट्रिक ट्यूब तो जो स्टमक में जा रहा है इसका लोअर इंड यहाँ पे रहना चाहिए नेज़ो स्टमक में रहना चाहिए फिर कोई सेंट्रल वेनस लाइन है तो उसको चेक कर लेंगे कि हाँ वो अपनी जगह पे है कि नहीं प्रॉपर पॉइजनिंग चेक करते हैं फिर ऐप से हो गया फ्लूड तो मेनली प्लूरल इफ्यूजन तो उसमें क्या होगा जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दिस इज राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड प्लूरल इफ्यूजन है यहाँ पे तो प्लूरल इफ्यूजन में क्या इधर की एस सी पी एंगल कार्डियोफ्रेनिक ऑब्लिट्रेट हो गई है और फिर वाटर लाइन दिख रहा है, है? विजिबल इन द लंग फील्ड तो दिस इज प्लूरल इफ्यूजन जी फॉर ग्रेट वेसल्स जब भी हम लोग कार्डियक कार्डियलॉट की जो बात कर रहे थे उसमें ये जो बल्जिंग आती है तो इस तरह से जैसे सबसे ऊपर में रहता है सुपीरियर वेना कभा उसके बाद आता है असेंडिंग एयोटा का उसके बाद फिर यहाँ पे राइट एट्रियम का और नीचे इन्फीरियर वेना कभा हाँ तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं साई के पाँव साई यहाँ पे ये दिस इज राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड ठीक है तो इधर साई हो गया एस फॉर सुपीरियर वेना कभा ए फॉर एसेंडिंग एयोटा फिर ए फॉर एट्रियम ये राइट साइड है तो ऑब्वियसली राइट एट्रियम है एंड आई फॉर इन्फीरियर बना का वेंट्रिकल ये वाला नहीं होगा रेड वेंट्रिकल से तो मेनली नीचे का इन्फीरियर बॉर्डर बनता है तो राइट साइड में जो जो बॉर्डर बना रहा होता है ये थोड़ी थोड़ी बल्जिंग होती है तो वो उसी की होती है और साई इधर हो गया यहाँ पे के पाँव के क्या है एयोटिक नॉब या एटिक आर्च जो ऐसे फुला हुआ होता है यहाँ पे एटिक नॉब हो गया पाव पी फॉर पाव ट्रंक ए फॉर एट्रियम एट्रियल अपेंडेज रहता है लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज एम भी से हो गया वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल तो साई के पाव कोई भी ये थोड़ी दिक्कत दे रही है तो जब भी कोई दिक्कत आए तो साई भगवान को याद कर लेना है साई का पाव चरण स्पर्श कर लेना है तो याद आ जाएगा साई इधर हो गया राइट साइड में राइट साइड में साई हो गया और के पाँव इधर हो गया फिर आ जाएगा टेल मी वॉट इज दिस सो दिस इज एक्सरे फिल्म ऑफ रिस्ट ज्वाइंट ए पी एंड लैटरल व्यू सोइंग द कोलेज फ्रैक्चर यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ये फ्रैक्चर जो है डिस्टल एंड ऑफ रेडियस का दिस इज कोलेज फ्रैक्चर तो अनदर क्वेश्चन विल बी व्हाट इज कोलेज फ्रैक्चर तो फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ रेडियस बट एक्स्ट्रा आर्टिकुलर यहां देख रहे हैं ना कि बहुत ऊपर में है ये ज्वाइंट कैविटी से बहुत ऊपर में यहां पे हुआ है डिस्ट और डिस्प्लेस्ड हो गया है डिस्टल इंड ऑफ रेडियस पे लेकिन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर विद डॉर्सल एंगुलेशन एंड डॉर्सल सिफ्ट इज कोलेस फ्रैक्चर थ्री डी डिजिटल इंड है डी एक डी हो गया डिस्टल इंड डी से हो गया फिर डॉर्सल एंगुलेशन एंड डॉर्सल सिफ्ट थ्री डी सी डी अगल बगल है ना तो इसलिए थ्री डी किस में आएगा कोलेस फ्रैक्चर में ना वट इज रिवर्स ऑफ कोलेस्ट्रैक्चर दैट इज स्मिथ फ्रैक्चर अगर हम लोग कोलेज को कोलेज नहीं पढ़ के काला पढ़ लेते हैं काला तो काला का उल्टा क्या होता है सफ़ेद तो सफ़ेद एज फॉर सफ़ेद एंड एज फॉर स्मिथ तो रिवर्स ऑफ कोलेस्ट्रैक्चर क्या हुआ स्मिथ फ्रैक्चर तो इसमें क्या होती है ये इसमें भी फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल इंड ऑफ रेडियस है और ये भी एक्स्ट्राटिकुलर है क्या डिफ्रेंसेस है तो वोलर एंगुलेशन एंड द वोलर सिफ्ट डॉर्सल वोलर क्या होता है ये इस तरफ ये ऊपर में यहां पे डॉर्सल एस्पेक्ट हो जाएगा और ये नीचे वोलर एस्पेक्ट हो जाएगा ना? तो डॉर्सल एंगुलेशन हो गया है यहां एंड डॉर्सल सिफ्ट और यहां तो ये तो लैटरल व्यू है तो ये कोलेस फ्रैक्चर है डोरसल सिफ्ट डॉर्सल एंगुलेशन अगर यहां पे वोलर शिफ्ट होता तो वो स्मिथ फ्रैक्चर हो जाती व्हाट इज बार्टन फ्रैक्चर इंट्रा आर्टिकुलर डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर उसमें एक्स्ट्रा आर्टिकुलर था ना इसमें इंट्रा आर्टिकुलर ज्वाइंट कैपिटी के बहुत नजदीक में विथ रेडियो कार्पल ज्वाइंट डिसलोकेशन अगर वहां नहीं होके अगर बहुत नजदीक में हुई होती अगर बस इस लेवल पे हुई होती तो डेट इज बार्टन्स फ्रैक्चर ना वट इज दिस बोन यहां पर जो ये एरो दिखा गया ये वाले बोन कौन सा बोन है ये तो हम लोग जानते हैं ना कि ये दिस इज यहाँ पे थंब है तो इस तरह से इस तरह से बढ़ेंगे सी लुक्स टू प्रीटी सी प्रॉक्सिमल रो में क्या हो गया सी लुक्स टू प्रीटी टी डेट इज इस इसके फ्वाइट लूनेट ट्राइक्वेट्रल एंड पीसीफॉर्म फिर ट्रिपेजियम ट्रिपिजवाइट कैपिटेट एंड हैमेट तो ये वाली क्या हो गई ये जो दिखा रहे हैं यहां पे छोटा सा है तो दिस इज पीसी फॉर्म बोन नाउ व्हाट टाइप ऑफ बोन इट इज एंड व्हाई सिस्मोइड बोन आंसर शुड बी सिस्मोइड बोन एज इट अपीयर्स विद इन द टेंडन ऑफ अ मसल नेम फ्यू सिस्मोइड बोन एंड द कंसर्न मसल सो द आंसर शुड बी द पटेला विच अराइज इन द टेंडन ऑफ वेमोरीज फेमोरिस पीसी फॉर्म बोन That is in the flexor carpi ulnaris, fabella, in the lateral head of gastrocnemius, and riders bone in adductor longus muscle. Thank you.